Dear student, I am Sindhi teacher. This is your Sindhi book. Open the page number 7. This is page number 7. Page Sindhi Hurfe Tahajji mein 52 alphabets hote hain. Page number 7 par Sindhi aur Urdu mein alphabets diye hue hain. देखिए सिंधी और उर्दू. फर्स्ट असाइनमेंट शीट में इस दो कॉलम बनाइए. कॉलम नंबर 1 सिंधी एंड कॉलम नंबर 2 उर्दू. पर जो वर्ड आता है उसे सिंधी में कहते हैं अलफ, और उर्दू में भी वर्ड सेम ही है और उसको कहा जाता है अलिफ. नंबर 2 बे. उर्दू में भी सेम ही उसकी शक्ल है और इसको उर्दू में बे ही कहा जाता है, यानी के बे सिंधी में और उर्दू में बे. नंबर 3, नंबर 3 पर जो वर्ड आता है ये भी बे के कुनबे से ताल्लुक रखता है, लेकिन इसके नीचे दो नुक्ते लगे हैं, एक ऊपर और दूसरा नीचे की जानिब. लेकिन उर्दू हुर्फे तहज्जी में ऐसा कोई वर्ड मौजूद नहीं. नंबर 4, नंबर 4 पर जो वर्ड आता है उसे भी ये भी बे के कुनबे से ताल्लुक रखता है और इसके नीचे चार नुक्ते लगे हैं, दो ऊपर की जानिब और दो नीचे की जानिब. इस वर्ड को भे कहा जाता है और उर्दू में ये वर्ड भे जैसे भालू के लिए इस्तेमाल होता है. नंबर 5, नंबर 5 पर जो वर्ड है ये भी बे के कुनबे से ताल्लुक रखता है, इसके ऊपर दो नुक्ते लगे हैं और इसको ते कहा जाता है. ते उर्दू हुर्फे तहज्जी में भी ये वर्ड इस्तेमाल होता है और दोनों की शक्लें सेम हैं और इसे भी ते कहा जाता है. नंबर 6, नंबर 6 पर जो वर्ड है इसका भी बे के कुनबे से ताल्लुक है, इसके ऊपर चार नुक्ते लगे हैं, दो ऊपर की जानिब और दो नीचे की जानिब. उर्दू हुर्फे तहज्जी में इसे थे कहा जाता है. इस वर्ड की जो आवाज़ है, प्रोनाउंसिएशन है, वो क्या है? थे, थे. उर्दू हुर्फे तहज्जी में ये थे थाली के वर्ड के लिए इस्तेमाल होता है. नंबर 7, ये भी उर्दू के कुनबे से ताल्लुक रखता है, इसके ऊपर तीन नुक्ते उल्टे लगे हुए हैं, यानी के दो ऊपर की जानिब और एक नीचे की जानिब. उर्दू हुर्फे तहज्जी में इसे टे कहा जाता है, जैसे टे से टोपी. नंबर 8, नंबर 8 पर जो बे के कुनबे से ताल्लुक रखने वाला लफ्ज़ है हुर्फ, उसे उसके ऊपर दो नुक्ते लगे हैं, एक ऊपर की जानिब और एक नीचे की जानिब. उर्दू हुर्फे तहज्जी में ये वर्ड ठे के लिए यूज होता है, जैसे ठे से ठेला. नंबर 9, नंबर 9 पर जो वर्ड है वो है से, दो नुक्ते नीचे की जानिब और एक नुक्ता उसके ऊपर. उर्दू हुर्फे तहज्जी में भी ये वर्ड मौजूद है और इसे से कहा जाता है, जैसे से समर. नंबर 10, नंबर 10 पर जो हुर्फ आता है पे, इसके नीचे तीन नुक्ते लगे हुए हैं, दो ऊपर की जानिब और एक उससे नीचे. उर्दू हुर्फे तहज्जी में भी ये वर्ड मौजूद है और सेम एक ही शक्ल का वर्ड है और सेम एक ही इन दोनों की आवाज़ है, यानी के पे से पंखा.
नंबर 11, नंबर 11 पर जो वर्ड है वो फे के ऊपर चार नुक्ते, दो ऊपर की जानी और दो नीचे की जानी। उर्दू हुर्फे और इस वर्ड को आवाज, इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन जो है वो है फे। और उर्दू में, उर्दू हुर्फे तहजी में इस लफ्ज को ऐसे लिखा जाता है और फूल के लिए ये वर्ड यूज होता है। फे उर्दू हुर्फे तहजी फे और ये फूल के लिए इस्तेमाल होता है। नंबर 12, नंबर 12 पर जो वर्ड है वो जीम के कुनबे से ताल्लुक रखता है। जीम, ये वर्ड उर्दू हुर्फे तहजी में भी मौजूद है और दोनों की शक्लें भी एक जैसी हैं और दोनों की का साउंड आवाज भी एक ही जैसी है। नंबर 13, नंबर 13 पर जो वर्ड है उसका ताल्लुक जीम के कुनबे से है, लेकिन उर्दू हुर्फे तहजी में ऐसा कोई वर्ड मौजूद नहीं, लेकिन इस लफ्ज़ की जो आवाज़ प्रोनाउंसिएशन निकलती है उसे कहा जाता है जे। जे सिंधी में इस जीम को क्या कहा जाता है? जे। इसके अंदर दो नुक्ते लगे हैं ऊपर और नीचे की जानिब। नंबर 14, नंबर 14 पर जो वर्ड है उसे कहा जाता है झे। जीम और हे, झे, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? झे। उर्दू हुर्फ तहजी में भी ये वर्ड मौजूद है और ये दोनों सेम वर्ड हैं और दोनों हुर्फ तहजी अल्फ़ाबेट्स में इन दोनों की प्रोनाउंसिएशन है झे। उर्दू में क्या कहेंगे? झे। ये झूले के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है। नंबर 15, नंबर 15 पर जो वर्ड है सिंधी का, इसका ताल्लुक, इस जीम का ताल्लुक भी जीम के कुनबे से है, लेकिन उर्दू हुर्फे तहजी में ऐसा कोई वर्ड मौजूद नहीं, लेकिन इसकी आवाज़ प्रोनाउंसिएशन जो है वो निकलती है जे। जे, जे, और इसके अंदर दो नुक्ते सीधे की जानिब, सीधे लगे हुए हैं, यानी कि नंबर 1, दिस इज़ नंबर 2, नंबर 1, नंबर 2, और इसे क्या कहा जाता है? जे। नंबर 16, नंबर 16 पर जो वर्ड है इसका ताल्लुक भी जीम के कुनबे से है। इसके में तीन नुक्ते लगे हैं, दो ऊपर की जानिब और एक नीचे की जानिब। उर्दू हुर्फे तहजी में भी ये सेम वर्ड मौजूद है और इसको चे ही कहा जाता है, जैसे चे से चिड़िया। नंबर 17, नंबर 17 पर जो वर्ड है इसका ताल्लुक जीम के कुनबे से है। इसके अंदर चार नुक्ते लगे हैं, दो ऊपर की जानिब और दो नीचे की जानिब। उर्दू हुर्फे तहजी में इस वर्ड को, ये वर्ड मौजूद है और इसको कहा जाता है छे, जैसे सिंधी हुर्फे तहजी में छे, उर्दू हुर्फे तहजी में छे। और ये छतरी के लिए इस्तेमाल, ये लफ्ज छतरी के लिए इस्तेमाल होता है। नंबर 18 पर आता है हे। सिंधी में ये वर्ड आता है हे, इसके ऊपर और नीचे कहीं भी कोई नुक्ता मौजूद नहीं। उर्दू हुर्फे तहजी में भी ये वर्ड मौजूद है, दोनों की शक्ल भी सेम है और साउंड भी सेम है। हे, हे। 19, नंबर 19 पर जो वर्ड है खे। उर्दू हुर्फे तहजी और सिंधी हुर्फे तहजी और उर्दू हुर्फे तहजी में ये दोनों वर्ड सेम है, दोनों की शक्लें भी सेम है, दोनों का साउंड भी सेम है। खे, खे, खे से खरगोश। नंबर 20, नंबर 20 पर जो वर्ड है दाल, ये भी उर्दू हुर्फे तहजी में मौजूद है, दोनों के साउंड सेम है, दोनों की शक्ल भी सेम है। जैसे सिंधी में कहेंगे दाल, उर्दू में कहेंगे दाल, दाल, दाल। नंबर 21, 21 पर जो वर्ड है ये भी ये दाल के कुनबे से ताल्लुक़ रखता है। इसके ऊपर दो नुक्ते लगे हैं। उर्दू हुर्फे तहजी में ये इस तरह लिखा जाता है दाल और है।
और ये वर्ड धोबी के लिए यूज होता है, और इस सिंधी में इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन है ढाल ढाल ढाल। और उर्दू हरफ तहज्जी में दाल है, ये धोबी के लिए यूज होता है। नंबर 22, नंबर 22 पर जो वर्ड है ये दाल के कुनबे से ताल्लुक रखता है। इसके ऊपर तीन उल्टे नुक्ते लगे हैं, दो ऊपर की जानिब एक नीचे की जानिब। उर्दू हरफ तहज्जी में ऐसा कोई वर्ड मौजूद नहीं, लेकिन सिंधी हरफ तहज्जी में इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन है ढाल ढाल ढाल। उम्मीद है कि आपको सिंधी और उर्दू हरफ तहज्जी के 1 से लेकर 22 वर्ड तक की एक्सप्लेनेशन साउंड समझ में आ गया होगा। कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को बार बार देखें, पढ़ें, लिखें और समझने की कोशिश करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।